बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म पठान की सफलता एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की डंकी और इटली की फिल्म जवान में नजर आने वाले हैं। डंकी के जरिए शाहरुख खान पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में राजकुमार हिरानी ने शाहरुख खान संग काम करने का अनुभव साझा किया है। उन्होंने किंग खान की तारीफ की है। राजकुमार हिरानी ने कहा, डंकी एक हाई परफॉर्मेंस फिल्म है, इसमें बहुत सारे मोनोलॉग और लंबे सीन है, लेकिन शाहरुख ने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली और अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा ली। उसके साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। उन्होंने कहा, शाहरुख खान अपने घर पर एक एक सीन वीडियो शूट करते हैं और मुझे भेजते हैं। वह करीब 15 तरीके से हर सीन बनाते हैं। इससे पहले कि मैं सेट पर जाऊं, मुझे पता होता है कि वह क्या करने वाले हैं। हिरानी ने कहा, कभी कभी मैंने एक शूट के लिए 2 दिन समय रखे हैं, लेकिन शाहरुख खान उसे 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। उनका लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कमांड है और उनकी पर्सनैलिटी बेहद अट्रैक्टिव है। शाहरुख खान अपनी टीम को बेहद खुश रखते हैं, सब एक साथ खाते हैं, पार्टी करते हैं, टीम उनके लिए परिवार है। काश मैंने पहले ही उनके साथ काम किया होता। बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों डंकी और जवान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म डंकी साल 2023 में दिसंबर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में शाहरुख के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।